नमस्कार दोस्तों, सूर्या लिंक प्रिंटर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बिना हिंदी टाइपिंग सीखे हिंदी टाइप कैसे करें। तो सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर की सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग ओपन करने के बाद आपको टाइम एंड लैंग्वेज का ये ऑप्शन दिखेगा, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको लैंग्वेज वाला जो ये ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको एड लैंग्वेज पर क्लिक करना है। एड लैंग्वेज पे क्लिक करने के बाद आगे ये सर्च बॉक्स जो है इसमें आपको हिंदी टाइप करना है, और उसके बाद नीचे हिंदी आपको दिख जाएगी, इसको आपको नेक्स्ट कर लेना है। ये ऊपर के तीनों आप चेक कर लीजिएगा अगर चेक नहीं है तो, और उसके बाद आपको इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ये आपका डाउनलोड होके इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपको वापस आना है जो हिंदी लैंग्वेज इंस्टॉल हुई है इसके ऊपर, और यहाँ से इसके लैंग्वेज ऑप्शन में जाना है। लैंग्वेज ऑप्शन में जाने के बाद आपको देख लेना है कि ये प्रॉपर इंस्टॉल्ड हो गया है। इंस्टॉल होने के बाद आपको यहाँ पे हिंदी जो फोटोनिक वाला जो आपका ऑप्शन है इसको आपको सेलेक्ट करना है, और जो पहले से एक हिंदी NCERT टाइप का लिखा आ रहा है इसको हटा देना है। इतना बस आपको करना है। इतना करने के बाद आपकी हिंदी लैंग्वेज जो है आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो गई है। अब नीचे टास्क बार में आप देखेंगे तो आपके पास इंग्लिश और हिंदी दोनों के ऑप्शन आ रहे हैं। अब आप कोई भी एक अपना डॉक्यूमेंट खोल लीजिए, माने मैं वर्ड खोल लेता हूँ, और इसमें देखिए एक बार मैं आपको टाइप करके दिखाता हूँ। ये मैंने पहले नीचे इंग्लिश सेलेक्ट किया हुआ है टास्क बार में, तो यहाँ पे मैंने हेलो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब बस लिख दिया। उसके बाद वापस मैंने हिंदी सेलेक्ट किया, और अब देखिए यही चीज़ मैं हिंदी में भी यहाँ पर आराम से लिख दूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिसको मैंने हिंदी में हेलो फ्रेंड प्लीज़ सब्सक्राइब बस लिख दिया है, और ये देखिए आराम से टाइप हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इस प्रकार से अगर आप हिंदी को, अगर आपको टाइपिंग नहीं आती है तो भी आप हिंदी इसमें टाइपिंग कर सकते हैं। अब अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हैं, आपको शादी के कार्ड या किसी और डिज़ाइन में हिंदी चाहिए होता है तो वहाँ पर भी आप इसको यूज कर लेते हैं। ये देखिए मैंने इसको कोरल ड्रॉ खोला हुआ है, और मैं यहाँ पे आराम से टाइप कर रहा हूँ, जैसे आप नॉर्मली अपने मोबाइल में टाइप करते हैं इसी तरीके से। और ये देखिए आराम से हिंदी टाइपिंग हो रही है और इसमें हिंदी लिखी जा रही है। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस जो थोड़ा सा अलग से कैलीग्राफी वाले फॉन्ट होते हैं उसमें एक दो वर्ड लिखा जाता है, वो आपको अलग से लिखना होगा बस। उसके अलावा बाकी पूरा मैटर जो है आप इसमें आराम से हिंदी में टाइप कर लेते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास कोई CDR फाइल है तो उसमें भी आप हिंदी में चेंजेस करना चाहें तो कर सकते हैं, इजीली कर लेंगे, आपको इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे देखिए CDR फाइल है, इसमें मैंने ओपन किया हुआ है, थोड़ा सा इसमें आपको जो फॉन्ट है उसमें दिक्कत हो सकती है, लेकिन वो कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। आप प्रॉपर इसमें फिर से हिंदी में टाइप कर लेंगे तो सेम हो जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। अगर आप फॉन्ट वॉन्ट का चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये टाइपिंग आपका सिर्फ कोरल में ही नहीं, कोरल, फोटोशॉप, गूगल क्रोम, कहीं भी, मतलब पूरे सिस्टम में आप हिंदी में कहीं भी टाइपिंग कर सकते हैं या इंग्लिश में कहीं भी टाइपिंग कर सकते हैं। एक क्लिक से आप उसकी टाइपिंग को हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी कर सकते हैं, आपको कोई इसमें प्रॉब्लम आएगी नहीं। देखिए ये एक मिठाई की दुकान के कैरी बैग का है, इस पर भी मैंने कर लिया है टाइपिंग। और अब देखिए मैं नॉर्मल गूगल क्रोमा में हिंदी में लिख रहा हूँ और ये प्रॉपर हिंदी में हो रहा है। तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।